गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज सुनील चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चर गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब इंटरव्यू न करने के बाद मार्केट में तलब करते हैं, तो ऐसे राजकीय इंटरनेशनल उपक्रम या कहें कि राष्ट्रीय स्तर के उपक्रम जो इन इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, जी हाँ, वो हैं नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात राष्ट्रीय शोध निगम। देखिए, जिस नाम से ही जाहिर होता है कि एक राष्ट्र की एक कहें कि एक ऐसा शोध विकास है जो किसी भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यह भारत सरकार का एक उपक्रम है, या कहें कि जो भी देश के अंदर इंडस्ट्री लगाता है उस इंडस्ट्री को लगाने से पहले उसकी तकनीकी जानकारी दी जाती है। 1956 में इस कंपनी की एक अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी, जिससे कि आम जो जागरूक एंटरप्रेन्योर हैं वो इसका लाभ इजी तरीके से प्राप्त करके अपने फील्ड के अंदर आगे बढ़ सके। इस जो निगम में इसके कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है, वो अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्य करता है, जैसे राष्ट्रीय प्रयोगशाला, रक्षा प्रयोगशाला, रेलवे प्रयोगशाला, यानी कि हमारे देश में जो भी नेशनल लेवल के, चाहे वो देश से रिलेटेड हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, यदि वो हमारे राष्ट्र हित में यदि योगदान देते हैं तो ये डिपार्टमेंट उन सब के लिए रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद एक मापदंड स्थापित करता है और उसके लिए जो इंडस्ट्री डालता है उसके लिए तकनीकी सहायता भी देता है और साथ साथ उसको एक लाइसेंस भी प्रदान करता है। लाइसेंस प्रदान करने के पश्चात वो एंटरप्रेन्योर पूरे दमदारी के साथ, या कहें कि फुल उसके अंदर इन्वॉल्व होकर के अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि लाइसेंस बनने के बाद उसको वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वह अपने उस प्रोडक्शन को, चाहे वो एक्सपोर्ट की दुनिया में हो चाहे इम्पोर्ट की दुनिया में हो, वो आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ नए नए संयंत्र निर्माण या कि राष्ट्र विकास के लिए जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे राष्ट्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसको उस संयंत्र को लगाने के लिए ये वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रयोगशालाओं में किए गए कार्यों का यह डिपार्टमेंट उसका एक मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद वो ये डिसीजन करता है कि कंप्लीट इसकी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को उद्यमियों को उपलब्ध कराते हैं। इस जो शोध संस्थान है इसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं, बल्कि जो जागरूक, जो सचेत इंटरप्रेन्योर है जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर अपना योगदान दे रखा है, इंडस्ट्री स्थापित कर रखी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना, उद्यमियों को पूर्ण जानकारी देना, अपडेट करना। देखिए, जब तक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, नेचुरल है, बिना अपडेट के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो निश्चित तौर पे जो एक उद्यमी है वो इन संस्थाओं से कांटेक्ट करेगा, इन शोध संस्थाओं से कांटेक्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाएगा, जिससे अपने अपने क्षेत्र में नित्य नए नए प्रयोग करते रहेंगे और देश को राष्ट्र निर्माण तरक्की मार्ग ले जाने में देश का सहयोग करेंगे और सहयोग के साथ साथ इस देश में नए नए प्रयोग होंगे, नए नए, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री क्षेत्र में हो, या संयंत्र क्षेत्र में हो, या कहें कि प्रयोगशाला के क्षेत्र में हो, या कहें कि रेलवे
कि उद्योग सलाम हर क्षेत्र के अंदर वो आगे से आगे शोध करते रहेंगे और जो उद्यमी हैं इस क्षेत्र में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी इंडस्ट्री को इस शोध संस्था के माध्यम से अपग्रेड करते रहेंगे। ये एक नेशनल लेवल की एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही लाभदायक और कामगार सिद्ध हुई है। धन्यवाद।